अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कढ़ी छोले की रेसिपी। मौसम बहुत अच्छा है और इस मौसम में कुछ अच्छे अच्छे स्नैक्स खाने का दिल करता है, तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास और एक हमें बड़ा बोल चाहिए। मैंने सबसे पहले कढ़ी का मिक्सचर तैयार करना है। इसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून बेसन लिया है, साथ में 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 कप दही, जायके के हिसाब से नमक और तकरीबन 3 गिलास हमें पानी चाहिए होगा। पहले थोड़ा सा पानी डाल के मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, फिर बाकी पानी डाल के हम ये पतला सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे कढ़ी का। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल गरम कर रही हूँ। ऑयल गरम हो जाता है तो 1/2 टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और 10 से 12 कड़ी पत्ते शामिल करके इसको भून लूँगी। अब हम इसमें कढ़ी का जो मिक्सचर हमने बेसन का मिक्सचर बनाया है वो मैं शामिल कर दूंगी और इसे लगातार चलाती रहूंगी यहाँ तक कि इसमें बॉईल आ जाए। जब एक बॉईल आ जाएगा तो हम इसका आंच स्लो कर देंगे। मुसलसल आपने चलाते रहना है, नहीं तो आपकी कढ़ी में लम्स पड़ सकते हैं। अब यहाँ कढ़ी में बॉईल आ गया है, अब मैं आंच स्लो कर दूंगी और इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट कुक करूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं, अब यहाँ पे मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून, आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वरना 2 से 3 टेबलस्पून जो इमली का रस है वो इनफ है, ये मैं डाल के मिक्स कर लूँगी। और साथ ही 1 टीस्पून चाट मसाला है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने मज़ीद 10 मिनट कढ़ी को कुक करना है, उसी तरह हल्की आंच पे कवर करके। आप देख रहे हैं कढ़ी जो है वो काफ़ी गाढ़ी अभी भी हो चुकी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो महसूस हो तो आप इसके अंदर मज़ीद पानी 1/2 कप के करीब जो है वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी कढ़ी तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। यहाँ मेरे पास 1 पाव छोले हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया था, सारी रात इसको सोक करने के बाद बॉईल किया था। मैं यहाँ पे छोले इसमें शामिल कर दूँगी, मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद कुक करूँगी। आप इसके अंदर ज़्यादा छोले भी ऐड कर सकते हैं, मुझे कढ़ी के साथ इसी तरह से छोले पसंद है तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसमें ऐड किए हैं, थोड़े कम, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हमारी कढ़ी छोले तैयार हैं, आपको दिखाते हैं। मैंने इसको बोल में सर्व किया है, इसके साथ कुछ लवाजमात हमने ऐड किए हैं, वो हैं जनाब ये पापड़ी और आलू के कुछ ये चिप्स हैं क्रिस्पी, साथ में प्याज, टमाटर और हरा धनिया है। बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ी तैयार होती है, इसको गरम गरम आप सर्व करें और इन्जॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।